गोरखपुर के राजघाट थाना इलाके में अज्ञात बदमाशों ने एक मोबाइल कारोबारी को गोली मार दी, जिसे स्थानीय नागरिकों के सहयोग से आनन फानन में उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसके गोली सिर में लगने से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मोबाइल कारोबारी अपनी दुकान बंद कर अपने घर जा रहा था, तभी कुछ बदमाशों ने उसे गोली मार दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हम लोग थे, एक रक्षा वाला बताया भैया किसी को गोली मार दी गई है, तो हम लोग दौड़ते हुए आए और देखा गया तो हाकर था बलराम निषाद, उन्होंने बताया कि अशोक भैया ये केसरवानी जी हैं, पीछे रहते हैं। मेरे ख्याल से एक दो मिनट के अंदर वहीं पर अगल बगल पुलिस थी, दो मिनट के अंदर पुलिस पहुंच गए, हम सभी अधिकारी भी पहुंच गए, मतलब हमारे इंस्पेक्टर एसओ पहुंच गए हैं। जैसे सूचना पर तत्काल उन पर लोगों के द्वारा यहाँ पर सदर अस्पताल लाया गया, यहाँ परिस्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने उनको मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया, और अभी कोई पता नहीं चला है कौन मारा है, क्या हुआ है, पहले उसको उपचार हो, उसके बाद से जांच के बाद से विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।